तो व्यूअर्स, हमने इसी तार को रिपेयर किया हुआ है, इसी तार को हमने रिपेयर किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी इसमें ये देखें, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हमने इसी तार को रिपेयर किया हुआ है, ये चैन निकर है, ये तार सही है। थोड़ा सा स्पेस था, हमने वो ख़त्म किया हुआ है। तो ये हम दोबारा निकालेंगे इसको, ये देखिए निकल गया है। अभी हम इसको वापस जो है फिटिंग में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, पहले तो ये हल्का सा हम इसको थोड़ा सा अंदर डाल दें, डाल के वो इस चीज़ को हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ के फ्रेंच के अंदर डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बस इसको लगाना थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कोशिश करे तो लगा सकता है। ये देखें, ये देख लें, ये वाली जो है मैंने अभी लगाई है। अभी इस वाले इसके अंदर भी हमें डालना है। तो ये कैसे लगेगा, इसको इसी से पकड़ के पेचकस से, तो इसको आगे से घुमाते हुए ये इसमें जाएगा, फिर इसी को आहिस्ते आहिस्ते सेटिंग में लाना है हमें। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर भी डाल दिया है, अभी आहिस्ता इसको घुमाते आगे तलक जो है पूरा घुमाएंगे। ये खांचा जो है इस पेज में बैठेगा, ये आपको लाजमी देखना है। ये देखें खांचा आहिस्ते 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 ये इसमें बैठ चुका है, ये देख सकते हैं, ये पूरी राड इसके अंदर चली गई है और इसका जो खांचा था हमने खांचे में बिठा दिया है। अभी हम पेज टाइट नहीं करेंगे, अभी हम इस तरफ वाला जो है नट है इसका वो लगाएंगे। तो व्यूअर्स, हम ये नट लगाएंगे पहले फर्स्ट में, ये नट जो है ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसकी दोबारा फिटिंग हो रही है। ये पेज मैंने फुल टाइट कर दिया है, बिल्कुल फुल टाइट कर दिया है, इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से जो मैंने आपको एक खांचा दिखाया था उसी खांचे के अंदर इसको इसी पहले पेज को टाइट करना है। ये टाइट हो गया, फिर ये दूसरे पेज को हम टाइट करेंगे। इन दोनों को टाइट करके फिर इन दोनों को आरजी तौर हल्का सा टाइट करेंगे, क्योंकि वो सेटिंग होगी आगे से दांतों की, फिर ये जो है ना बैठेगा, ये ऐसे नहीं बैठेगा। इसको यहाँ पे रख के फर्स्ट इसी को ही टाइट करना है, थोड़ा सा
मैंने हल्का सा कर दिया है ताकि आगे पीछे हो सके। तो रिवर्स अब इसकी बारी है, ये कैसे लगेगा। और रिवर्स गियर तार आप देख रहे हैं, ये अभी बिल्कुल ही लूज़ है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इसको ये जो चीज़ है ये यहाँ से ही जाएगी, ये जो पेज है इसको पेज बोल सकते हैं आप, लॉक भी सब बोल सकते हैं। ये पेज यहाँ से जाएगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, ये देख सकते हैं आप। इसको आगे पीछे करके भी तो नहीं जा सकती, तो यहाँ से ये चीज़ जो है जाएगी, यहाँ से जाएगी। अभी पहले हम जो है इस तार को सेट करेंगे, तार ताकि इसके सुराख के बराबर आ जाए, फिर इसको यहाँ से हम ये लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये पेज जो है, ये जो कट बना हुआ है ये कट यहाँ पे आएगा, ये वाला जो कट बना हुआ है ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आएगा, इस पेज पे ये कट आएगा, तो ये बिल्कुल सीधा डालना है हमें। ये देखें, इसको लगाना भी थोड़ा मुश्किल है बस, तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, इसको घुमा फिरा के डालना है अंदर। ये देखें, ये देख लें आप यहाँ से, ये पूरा इसके अंदर डल गया है। तो इसका जो लॉक है पहले इसी पेज को हम टाइट करेंगे, पीछे से किसी भी चीज़ की आप सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये लूज़ है, अंदर से नट मैंने टाइट नहीं की। तो फर्स्ट में ये पेज टाइट होगा, फिर दोबारा से ये पेज टाइट होगा। ये देखिए, ये हो गया अपनी जगह पे। तो अभी पीछे का काम होगा, जो हमने नट ढीले छोड़े थे उनको टाइट करने हैं, उनको टाइट भी हिसाब से करेंगे, क्योंकि दांतों की पहले सेटिंग होगी तो ही इसकी सेटिंग होगी। तो अभी बस हमने ये दोनों पेज जो है ढीले छोड़ दिए थे, तो इनको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे अपने हिसाब से। ये आप देख सकते हैं को टाइट मैंने कर दिया है, अभी ये दूसरे वालों को भी टाइट करना है। मैंने टाइट कर दिया है, अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आपके सामने मैंने खोल के फिटिंग की है इस चीज़ की, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, नीचे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखें, ये देखें। अभी इसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं हुई, इसकी मुकम्मल सेटिंग होगी दांतों से, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में जो है वही आपको वीडियो दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह इसी को आप मैं आपको मुकम्मल करके दिखाऊंगा कि डायल की सेटिंग भी इसी से होगी, ये चीज़ सेट हो जाएगी, रिवर्स गियर टांका भी इसी से सेट होगा, फिर होगी डायल की सेटिंग। एक व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि जो है मेरी मशीन टाका छोटा नहीं कर रही, वो सिर्फ बढ़ाई चला रही है, तो इंशाल्लाह डायल पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह आप व्यूअर्स के कहने के मुताबिक अगर आपके कोई मशीन में मसला है तो आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कोई ना कोई वीडियो बना के उस पर दिखा दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।